मैं उनके साथ कुछ प्रैंक करने का सोच रहा हूँ आप लोगों को मेरा साथ देना है दोगे यस हेलो आप लोग जो उनकी टीम के हो आपको भी साथ देना है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे देखो मैं बताता हूँ वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जैसे यहाँ आएंगे उनको माइक लगेगा वो यहां खड़े हो जाएंगे, मैं उनको दिख रहा हूंगा. तो उन्हें लगेगा बोलूंगा और वो एकदम से आएंगे लेकिन जैसे वो आएंगे मैं स्टेज पर नहीं हूँ मैं उधर हूँ मैं उधर से उधर पीछे निकल जाऊंगा आप लोगों को क्या करना है कुछ बोलना नहीं है बस तालियां बजाते रहना है सीटियां बजाते रहना है और मेरी तरफ देखना है मतलब ऐसे जैसे कि मैं यहां पर हूँ वो यहां पर है बस मैं उनको नहीं दिख रहा हूँ बाकी सबको दिख रहा हो <laughs> वो बहुत भूत की वीडियोस बनाते हैं ना उनको भूत दिखाते हैं सब रेडी है कहां पर है मुझे दिख नहीं रहे हैं कहां है एक बार उनको यहां पे लाओ ना हाँ रेडी है ठीक है उनके बारे में पहले आपको बताता हूं कि गेस्ट कौन है आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो कौन है उनके 27 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, साढ़े चार करोड़ व्यूज है उनके चैनल के ऊपर और वो बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं और उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है प्लीज गेव एन एनर्जेटिक एंड वॉन वेलकम टू दिनियन है अरे सरकार दिख नहीं रहा था यहाँ पर ये तो था मैं बाकी सबको दिख रहा था नहीं दिख रहा था नो तो सबसे पहले आप सब लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा सपने देखने चाहिए क्योंकि देखने से पूरे होते हैं आज मेरा हुआ है यहाँ पर थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए मोस्ट वेलकम और मैं जनरली हमारी जो ऑडियंस है उन्हें टाइटेनियम आर्मी को एक के बुलाता हूँ मतलब जोश और जोश भाई साहब आप नेक्स्ट लेवल है नेक्स्ट लेवल है है सही सही हाँ हाँ। मतलब में में सर सर मतलब वास्तव टाइटेनियम आर्मी मजा आया बहुत सर। अभी तो <laughs> आगा। आगा। जी बैठिए प्लीज बैठ आपको पता लगा प्रैंक हुआ है नहीं अभी तो नहीं हाँ लगा ना <laughs> अच्छा वो प्रैंक था क्योंकि आप दोस्त से रिलेटेड वीडियोस बहुत बनाते हो ना भूत प्रेत से रिलेटेड तो मैंने कहा क्योंकि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं नॉर्मली यहाँ पे होता हूँ वही चीज वही चीज मैंने से कहा भैया कहाँ गए मैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ आना यही था या कहीं और जाना था <laughs> तो सर एक चीज हाँ। मैं पर्सनली आपसे कहना चाहूंगा प्लीज बोलिए कि आपने आज तक न जाने कितने लोगों की लाइफ बना दी आपको भी नहीं पता उनमें से एक मैं भी हूँ थैंक यू सो मच सर आजकल जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट्स है उसमें से कोई ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ यार टीचर्स बोलती थी बोले ये होता है ये रिएक्शंस होती है ऐसे सारी चीजें काम करती है बोले कि सोडियम को पानी में नहीं डालना चाहिए व्हाइट फॉस्फोरस को पानी से बाहर नहीं निकालना चाहिए मेरे समझ नहीं आता था मैं गया एक दिन लैब के अंदर सोडियम निकाला पानी में नहीं डालना डाल दिया पानी यार मजा आ गया मैंने कहा व्हाइट को बाहर नहीं निकालना चाहिए बाहर निकाल आग लगी लैब में मैंने कहा मजा तो आ गया लेकिन सजा भी है तो ऐसे ही क्या मुझे हाथ लग गई लिक्विड नाइट्रोजन अपने काम पे पे मैं काम करता था तो वहां पे मुझे लिक्विड नाइट्रोजन मिल गई गलती से बोले इसको ग्राउंड पे नहीं फैलाना चाहिए फैला फैला दी दी बादल बन गए अच्छा उसमें तो मजा आ गया लेकिन फिर एक और था कि इसको पानी के अंदर मिक्स नहीं करना चाहिए एकदम से वेपरेट होती है मैंने बोतल ली थोड़ा सा पानी खाली किया उसमें डाल दी लिक्विड नाइट्रोजन जैसे ही बोतल को फ्लिप की बोतल रॉकेट मजा आ गया लेकिन एक्साइटमेंट भी बढ़ गई इस बार मैंने थोड़ी सी लिक्विड नाइट्रोजन ज्यादा डाल दी और जैसे ही फ्लिप किया वो हाथ में फट गई फिर अच्छा। मेरे को समझ में आया नहीं यार सेफ्टी भी जरूरी है हाँ। थोड़ा चीजों के बारे में पहले पढ़ लेना चाहिए फिर करनी चाहिए अब हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं पहले हम रिसर्च करते हैं क्या क्या रिस्क हो सकती है और फिर वो रिस्क हम दे देते कैमरों को

आप में से काफ़ी लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ लेकिन मैं ट्रूली स्पीकिंग आप में से अगर कोई आप आगे आ, आके यहाँ पे बैठेगा वो जैसा फील करेगा वो जितना नर्वस फील करेगा या फिर वो सोचेगा मैं क्या बोलूँगा क्या तो सेम मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूँ सही बता रहा हूँ मैं आपके साथ एक दिल की बात शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है कि मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है अलग अलग चीज़ों के अंदर हो सकता है तो बस ये दिल की बात थी बेसिकली क्या है कि जैसे मैं भी पहली बार स्टेज पे गया था आई एम नॉट श्योर आपने स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने पहले कि कुछ किया पहली बार कर रहे हो ना तो जब आप जो कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे से तो बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, 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 नहीं। जब मैं पहली बार गया था नहीं सर सर गुरु गुरु होता है मैं सीरियसली कह रहा हूं मैं गलत नहीं कह रहा जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था वो मेरे अनस्टॉपेबल वाले सेशन में आप लोगों ने देखा भी होगा कितने लोगों ने देखा हाथ ऊपर करो हाँ बहुत लोगों ने देखा है मैं स्टेज पे गया था मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था अच्छा मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया था मैंने कहा क्या बोलूँ मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ नाउ आई स्पीक इन हिंदी ये बात भी इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो फिर यू नो वॉट बार बार समझ रहे हो कि एक तरफ से इंग्लिश माइंड में घूम रही है एक तरफ से हिंदी घूम रही है फिर मैं फ्रीज हो गया था दो मिनट के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया स्टेज पे खड़ा हूँ सामने इतने सारे लोग खड़े हैं फिर उनमें से किसी ने बोला यू कैन डू इट मैंने कहा करेंगे करेंगे तो आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और एंड में अगर आप चाहो तो एक ब्लॉग भी बना सकते हैं यहाँ पर sure. स्टेज पर है ना sure. मजा आएगा ऑडियंस का पूरा एक्साइटमेंट आप सब देखोगे इनके ब्लॉग में सर yes. right? हाँ. मुझे बहुत कमेंट आते थे इस चीज के लिए अच्छा यहाँ पे आने के लिए ज्यादा बहुत ज्यादा सर अच्छा हाँ जी सर तभी तो आपने हाँ बोला यहाँ पर नहीं नहीं <laughs> मतलब मैंने तब, मैंने तब सोचा इसको शूट तो करना ही है मौका मिला है तो ना एंड के पांच मिनट रह जाएंगे मुझे बता देना अजय हम फटाफट से इनका एक ब्लॉग शूट करेंगे उस ब्लॉग में भी आपके ऑडियंस को बोल दूंगा क्या बोलते हैं टाइटेनियम आर्मी आर्मी टाइटेनियम आर्मी जिंदाबाद करेंगे मजा आ रहा है आपको नहीं आ रहा है मजा आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ सर ये पहली बार है और सच में अभी मुझे वो जो डर वर था सब आपके साथ माने बात खत्म हो गया अभी मुझे इतना डर नहीं था हाँ, बिल्कुल खुल के करो जो करना है जी सर क्या है कि आप ये समझ लो कि अगर कुछ मुंह से उल्टा पुल्टा निकल भी जाए ना जैसे मुंह से बोलते बोलते होता है कई बार गाली निकल जाती है <laughs> तो वो हमारी एडिटिंग टीम में संभाल ले सही बात है कोई टेंशन नहीं आप गालियाँ दो आप यहाँ पे मारो लोगों को पीटो जो मर्जी करो वो सब एडिट हो जाएगा है ना फोड़ दो जा करके किसी का अगर कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहा तो उसका माइक लेके उसी के सर पे मार दो आ, इस तो, सब हम एडिट कर देंगे फिर तो मुझे लिक्विड नाइट्रोजन लानी चाहिए <laughs> आप लोगों के मन में मुझे पता है बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं आप हाथ ऊपर करेंगे और फिर उसके बाद में आपको कहेंगे पूछने के लिए आप पूछेंगे उसके बाद में हम एक वोटिंग करेंगे वोटिंग में अगर सब चाहते होंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू संदीप सर आई स्टिल कांट बिलीव कि आप मेरे सामने हो सर दिलराज सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था हाँ जी जैसे जैसे क्रेजी एक्स वाई जेड है है एक्सपेरिमेंट टीवी वो भी इस फील्ड में आने लगे हैं तो आप उन्हें एस ए कॉम्पिटिटर कैसे देखते हो सर रेस में अकेले भागने में मजा नहीं आता आप अगर भागोगे अकेले भागो कोई तालियां भी नहीं बजाएगा कि यार की ये जीता है बोल किसके साथ नहीं था है ही नहीं कोई कॉम्पिटिशन तो बहुत जरूरी है कॉम्पिटिशन होता है ना तभी आप नई नई चीजें ट्राई करने के लिए वो होते हो अगर कंपटीशन नहीं है ना तो आप जितना है उतने में खुश रहने की कोशिश करो हाँ यार चल रहा है सब्सक्राइबर है कोई है ही नहीं मेरे ही हैं सब्सक्राइबर अभी कंपटीशन है तो वो एक हेल्दी कंपटीशन है उसे उल्टा अच्छे वे में मैं लेता हूँ कि यार वो अच्छा कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है देखिए रेस में आगे निकलने के दो तरीके होते हैं अपने साथ वाले के लंगड़ी फंसा दो वो गिर गया आप जीत गए या फिर उससे तेज़ भागो तो मैं तेज़ भागने में बिलीव करता हूँ कॉम्पटिशन की कोई परवाह नहीं उनसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे वो भी अच्छा कर रहे हैं दिल से सभी को मैं सपोर्ट करता हूँ सबसे मेरी बात होती है और मैं जितना उनको बता सकता हूँ जितना उनको सिखा सकता हूँ वो मुझसे काफी चीजें पूछते हैं मैं उनको दिल खोल के बताता हूं। और जितना आप कोलेबरेट करोगे उतना तेजी से आगे बढ़ोगे उतना तेजी से ग्रो करोगे जैसे सौरभ भाई का, का चैनल है yes, हमारा अलग है लेकिन जब हम उनसे मिले तो उनकी ऑडियंस ने हमें देखा और हमारी ऑडियंस ने भी उन्हें देखा वो सब एक हो गए तो उनके जैसे क्रेजी एक्स वाई जी भाई से हम मिले अमित भाई से तो कुछ हेटर्स जो थे वो जो हमें पसंद करते थे या फिर उन्हें पसंद करते थे हमें हेट करते थे वो सब इक्वल हो गए बोले यार ये तो भाई हैं तो ऑल ओवर फ़ायदा हम दोनों को हुआ अच्छा आप अपनी अर्निंग के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है सबका अर्निंग तो बहुत है लेकिन हम है ना अर्निंग का आधे से ज्यादा हिस्सा अपनी वीडियोस में उड़ा देते हैं क्योंकि वो एक फन पार्ट है हमें भी उस चीज़ में मजा आता है हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ट्रैवल जब अपन करते हैं तो इतना खर्चा नहीं आता लेकिन जब आप चीज़ें तोड़ते हैं मान लीजिए कि आपने कोई कार है उसके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किया उसे खुद से उसको चलाना है तो अगर वो मान लीजिए कि कैमरा लगा दिया अपन ने रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए तो वो कार यूं ही गई साथ ही साथ अगर वो सही से काम नहीं किया तो भी वो पैसा यूँ ही गया तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है लेकिन ये है कि अगर हम एक लाख खर्च करते हैं तो कोशिश करते हैं उससे डेढ़ लाख तो हम अर्न कर ही लें और ये यूट्यूब सर आपको तो पता ही है बाकी ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं अगर आप डेली काम कर रहे हैं आपकी वीडियोज पे व्यूज आ रहे हैं तो अर्निंग वैसी होगी अगर नहीं आ रहे हैं तो अर्निंग भी ड्रॉप हो जाती है आप कितनी अपलोड करते हो एक हफ्ते में अभी तो सर कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से हम नहीं कर पा रहे वरना हमारा टारगेट रहता है कि हम बीच बीच में डेली की दो वीडियोस अपलोड करते थे डेली की दो, दो वीडियो सर, ये तो बहुत ज्यादा होती है मतलब जी सर मुझे भी पता है और बताया आपको दिन में आई थिंक बारह बारह घंटे काम करना पड़ता होगा जी सर उसके लिए तो है ना क्योंकि हां दो वीडियोस आसान नहीं होता है मतलब मैं बोलता हूँ आसान है लेकिन आसान होता नहीं और है। हर 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 वीडियो का जो टॉपिक है वो पिछली वीडियो से अलग होगा राइट और रिपीट नहीं कर सकते हर बार कुछ अलग अलग करो और करने में भी टाइम लगता है आपको तो लगता है पाँच दस मिनट की वीडियो बट उसके पीछे फुटेज होती है आधा एक घंटे की दो घंटे की फिर वो एडिट होकर आठ आठ घंटे की फुटेज होती है और उसमें टाइम लैप्स लगाते हो आप बहुत बार और आपने मैंने देखा ड्रोन शॉर्ट्स भी आ रहे हैं तो तो आप आप पैसा खूब अच्छे से लगा रहे हो. हो? कितना खर्चा कर देते हो? कमाई मत बताओ, नहीं बता रहा तो? आप, रेगुलर वीडियोस अगर अगर हम बनाते हैं, दो करनी है, तो महीने का मान लो. और अगर आप दो नहीं करते हफ्ते में दो करते हो तो 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 लाख के आसपास तो होता ही है चाहे मत करो आपकी कितनी चालीस लोगों की टीम है अच्छा जिसमें से ट्वेंटी लोग मेरे साथ ही रहते हैं साथ ही काम करते हैं ऑफिस में और अभी जो आपके साथ आए हैं ये लोग ये सब आपके मेन टीम मेंबर्स हैं राइट टीम भी है भाई भी है लेट्स गिव बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ देम एक बार स्टेज पे आ आप लोग भी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं आई मस्ट से दैट आप में से कोई कुछ कहना तो नहीं चाहता है चेल भाई। भाई ये मैं, मैं समझा नहीं मेरे को थोड़ा बताएंगे इसके बारे में क्या बोल दिया में बोलते हैं हाँ। तो हमारा है चिल बाबा, चिल चिल बाबा, चिल बाबा बाबा नॉट सर मेरा ये कहना है कि जैसे अभी हम लोग का मेन होता है घर वाले का कहना था कि मेन है कोई नीट लेते हैं कोई मैथ्स लेते हैं तो उसमें जो होता है सर अक्सर हर जगह सर ये बता टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा तो इतने जितने ये करना तो वो कैसे आप लोग करते हो टाइम मैनेजमेंट आप भी बोले बहुत सारे वीडियो डालते हो आप सप्ते में डाल देते हो दो हर दिन तो वो कैसे आप भी वो ट्रैवल करते हो सर यहाँ वहां तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो आपको कैसे पता कि मैं ट्रैवल करता हूँ देखता हुँ वीडियो आपका देखा हूँ सर बहुत सारे मेरी कौन सी वीडियो में मैं ट्रैवल करता हूँ मतलब जाते हो ना हर जगह मैं तो यहाँ आता हूँ यहाँ से चला जाता हूँ नहीं।, नहीं तो मतलब होता है ना टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करते हो अच्छा ठीक है आई गॉट इट कितने चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए टाइम मैनेजमेंट बताइए आप कुछ कहना चाहेंगे देखिए अगर आपका काम बड़ा है अगर आपके पास अच्छी टीम है टाइम मैनेजमेंट का आधा इशू तो वहीं सॉल्व हो जाता है आप जो खुद नहीं कर सकते वो काम उनसे करवाओ जो उस काम में माहिर है देखिए एडिटिंग मुझे भी आती है अपनी वीडियोस की अगर मैं सारी वीडियोस एडिट करूंगा तो मेरा टाइम ज्यादा जाएगा तो मैं उससे अच्छा उससे भी करवाऊंगा जिसको एडिटिंग आती है जो एडिटिंग करने के लिए ही सीखी है जिसने जिसके लिए बनाया तो मैं आधा काम तो उससे करवा लूंगा अगर, अगर अपन स्मार्टली अपनी चीजों को मैनेज करते हैं पूरा शेड्यूल बनाते हैं सारी चीजों का तो काफी ईजी हो जाता है टाइम मैनेजमेंट दो तरह के काम होते हैं एक जो आपको करना पसंद है एक जो करना पसंद नहीं है जैसे ये जो कर रहे हैं इनको करना पसंद है पसंद इन्होंने बताया ना अभी अपने बारे में कि क्या करते थे स्कूल में लेबोरेटरी में आग लगा दी थी अब ये यूट्यूब पे आग लगा रहे हैं सब्सक्राइबर्स के वे में पॉजिटिवली <laughs> <नहीं। laughs> तो बेसिकली क्या होता है दो तरह के काम होते हैं एक जो आपको करना पसंद है एक जो करना पसंद नहीं है जब करना पसंद होता है कोई काम आपको करना तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट की कभी प्रॉब्लम नहीं आती है वहां उल्टी प्रॉब्लम आती है कि मैं अपने आप को रोकू कैसे क्योंकि रुकने का मन ही नहीं करता है अगर इनको एक काम करना पसंद है तो इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये अपने टाइम को मैनेज कैसे करें इनकी प्रॉब्लम उल्टी है आपसे आपकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को पढ़ाई करनी है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं ये आप पूछना चाह रहे हैं राइट कि अपने टाइम को आप मैनेज करते हैं और टाइम नहीं निकाल पाते फालतू की चीजों में टाइम चला जाता है इनकी प्रॉब्लम पता है क्या होगी कि दिन में चौबीस घंटे होते हैं कम पड़ जाते हैं हाँ तो मैं क्या कहूंगा आप सबको मेरी सलाह ये है इस एज ग्रुप में जो अभी आप लोगों की एज ग्रुप है 18 साल के आसपास जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी जैसे अगर आप खेल रहे हो तो ये मत सोचो कि आप खेल करके मेरे को पैसा तो मिलना नहीं है मैं क्यों खेलूं अरे भाई खेलना जरूरी है तभी तो पढ़ पाओगे बट आप कहते हो मैं सब कुछ छोड़ करके सिर्फ पढ़ूंगा चौबीस घंटे पढ़ाई में भी वो रिजल्ट नहीं आएगा सब लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा करना जरूरी है जो कि आपकी बॉडी को आपके माइंड को बेटर करे सर मेरा क्वेश्चन रिस्क को लेकर जैसे आपने भी कॉलेज ड्रॉप आउट किया था और आपने भी यूट्यूब स्टार्ट किया तो मतलब ऐसे आप दो बट हंड्रेड फेल्स भी होते हैं तो रिस्क लेना कभी कभी लोग सोचते हैं ना ले कभी सोचते हैं ले तो इसको मतलब कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो इसको कैसे आप रिजोल्व करो हाँ देखिए मैंने पहला लैपटॉप लिया था यूट्यूब के लिए नहीं लिया था मैंने बिजनेस के लिए लिया था बिजनेस फेल हो गया लैपटॉप रखा हुआ था फिर लैपटॉप से मैंने यूट्यूब पे एडिटिंग सीख ली लैपटॉप भी काम आ गया तो ऐसा तो नहीं है फेल भी होते हैं अपन रिस्क लेनी तो पड़ती है ना लेकिन आप जिस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो क्या वहां पे रिस्क नहीं है वहां पे क्या परसेंटेज चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने केसेज में तो पॉइंट जीरो वन परसेंट तो रिस्क तो वहां भी है सर uh, मेरा एक क्वेश्चन है सर मेरे को खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में पीठ पीछे सामने भी बहुत कुछ बोलते हैं तो मेरे को घबराहट होती है कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता मेरे पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर की सारी वीडियोस देख लो एक बारी <laughs> <laughs> <यो, sir. laughs> क्योंकि मेरे अंदर भी ये चीज़ है सेम मैं खुद को आप में देखता हूँ तो मुझे यहाँ आने से पहले मुझे भी डर लग रहा था यार उसमें क्या है ये जो फियर होता है ना हमारे अंदर डर लगता है कि सामने वाला क्या कहेगा या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है इसका एक ही तोड़ है अपने काम को बोलने दो और लोगों का अपने आप ही मुंह बंद हो जाएगा सही बात आपको मुंह बंद कराने की किसी को जरूरत नहीं है उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे अपने आप मुंह बंद हो जाता है लोगों का थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टेकिंग आउट योर टाइम इट मीन अ लॉट टू मी थैंक यू सो मच